प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आचार्य चाणक्य के अनुसार प्यार के मामले में कभी भी असफल नहीं होते हैं कुछ लोग, या पांच पुरुषों का इसमें जिक्र किया गया है इस वीडियो में, तो आज हम उनकी चर्चा करते हैं। आचार्य चाणक्य एक बहुत ही अच्छे नीतिकार थे। इन्होंने मनुष्य जाति को लेकर ऐसे बहुत सी बातें बताई हैं। अगर इन सभी बातों को मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है तो उसका जीवन खुशहालीपूर्वक व्यतीत होगा। उसे अपने जीवन में कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने ऐसे बहुत सी बातों का जिक्र किया है जिससे टूटते रिश्ते में सुधार आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं आजकल के समय में लोग रिश्तों को जरा जरा सी बातों पर भी तोड़ दिया करते हैं। चलिए उन पुरुषों की चर्चा करते हैं जिनमें पांच खूबियां होती हैं तो उन्हें ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए जानते हैं। जो पुरुष हमेशा महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखते हैं, प्रेमिका हो या पत्नी हो, उनको सम्मान देते हैं और उनका उनके महत्व को समझते हैं, तो ऐसे पुरुषों का रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। प्राय महिला को स्पर्श न करने वाला पुरुषों का यह गुण सर्वोपरि माना गया है। जो पुरुष अपनी प्रेमिका या पत्नी के अलावा किसी महिला को वासना की नज़र से नहीं देखता, किसी भी महिला के प्रति आकर्षित नहीं होता, वह अपने संबंधों को बचाने की हर संभव कोशिश करता है, ऐसे पुरुषों का संबंध कभी भी नहीं टूट सकता। सुरक्षा का एहसास कराने वाला जो पुरुष अपनी प्रेमिका या पत्नी को सुरक्षा का एहसास कराता है और उसे अच्छा वातावरण देता है, वह कभी भी प्यार के मामले में असफल नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि हर महिला अपने पति से अपने पिता की छाया देखती है। अगर महिला उनके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो वह बिना किसी भय उनके साथ रहेंगे, जिससे इनका रिश्ता भी जो है वो मजबूत रहता है। शारीरिक संतुष्टि की बात करें तो शादी के पवित्र बंधन में शारीरिक सुख का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो पुरुष भौतिक भावनात्मक सुख के साथ साथ अपने जीवन साथी को शारीरिक सुख और संतुष्टि देते हैं, उनकी पत्नी हमेशा खुश रहती है। जो पुरुष अपने प्रेमिका या पत्नी को फूल समझकर उन्हें स्पर्श करते हैं तो ऐसे पुरुष प्यार के मामले में हमेशा ही सफल होते हैं और आगे तक जाते हैं और जीवन में खूब तरक्की, उन्नति और सफलता हासिल करते हैं। माँ बाप को सम्मान, पत्नी के प्रति ईमानदार। जो पुरुष अपनी पत्नी या प्रेमिका के माता पिता को भी सम्मान देते हैं, वह हमेशा अपने साथी को खुश रखते हैं, वैवाहिक जीवन में पत्नी के प्रति ईमानदार रहते हैं, ऐसे पुरुषों का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहता है। उनका जो रिश्ता है वो कभी नहीं टूटता है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं और उन बातों को ध्यान में रखकर ही कार्य करते हैं तो कभी भी आपका सफलताओं का जो सामना है, परेशानियों का जो सामना है, वो नहीं करना पड़ेगा। आप सभी लोगों ने देखा है कि आजकल के समय में ब्रेकअप एक सिलसिला आम बात हो गई है। ये एक बहुत छोटी बात है कि रिश्ते बनना फिर टूटना बहुत नॉर्मल बात है। आप लोगों ने अपने फ्रेंड सर्किल में ही कोई ना कोई ऐसा उदाहरण देख लिया होगा जिसका एक से ज़्यादा ब्रेकअप हो चुका है। विवाह जैसे मजबूत रिश्ते भी आजकल बहुत आसानी से टूट जाते हैं। 7 जन्मों की कस्में खाने के बाद भी विवाह जैसा बंधन 7 महीने या 7 साल निभाने में भी बड़ी कठिनाई होती है और कुछ ही समय में रिश्ते टूट जाते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं जो इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो खूबियाँ मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे आप महिलाओं को सम्मान देते हैं, प्राय स्त्री या महिला को स्पर्श ना करते हैं, उन्हें सुरक्षा का एहसास करवाते हैं, शारीरिक संतुष्टि देते हैं, माँ बाप को सम्मान देते हैं, पत्नी के प्रति आप पूरे तरीके से ईमानदार रहते हैं, तो आप ये मानो कि आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान रिश्ते में ही हो जाएगा। इसके अलावा जीवन से जुड़ी और परेशानी है, जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी वगैरह, भाग्य रतन रंकंग, ग्रह क्लेश से मुक्ति, कुंडली विश्लेषण, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल देकर उनसे जान सकते हैं। तो ये चाणक्य के बारे में और कुछ ईमानदार पुरुषों के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।